गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे आई डिस्कस अबाउट द इन दिस वीडियो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। उन्होंने पिछले बार देखा कि अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल साउंड और जो हमारे ऑनर्स हैं और इनके इंटरेस्टेड पार्टी है, इन सब के बारे में बताता है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। इन सब के होने के बावजूद भी इनकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन हैं दैट्स फॉलोड। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट। अकाउंट जो है एक एग्जैक्ट साइंस होने के बावजूद भी प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि कुछ चीज़ें अपने पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जस्ट लाइक डिप्रिसिएशन, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या कोई मशीनरी है, उसकी डिप्रिसिएशन हम किस आधार पर लगाएंगे, ये हमारे पर्सनल के ऊपर या मैनेजमेंट के एक पर्सनल के ऊपर डिपेंड करता है। और हो सकता है कि एक मैनेजमेंट में चार लोग हों और सबकी ओपिनियन अलग अलग हो, कोई कहे नहीं हमें 8% लगाना है, कोई 10%, कोई अलग अपनी डिसीजन दे सकता है। इसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट है वह इजेक्ट नहीं आती है। सेकंड है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वीनियंस। अकाउंट जो है वह विभिन्न प्रकार के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंस के आधार पर तैयार किया जाता है। हेंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज में नॉट बी रियलिस्टिक। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर लें कि हम लोग जो भी फिक्स एसेट्स शो करते हैं वह हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर होता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। और जो अगर हम देखें तो मार्केट वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट में डिफरेंस होता है, हाँ, जिसकी वजह से हम लोग हमारी जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट या पीएल अकाउंट है वह सही शो नहीं होती है। थर्ड है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन बी नोन ओनली when the business is disclosed. Fourth है, omission of quality information. Accountings में सिर्फ हम लोग monetary terms से संबंधित जो भी information होते हैं उसी को record करते हैं, किसी के हम लोग qualitative aspect को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, ना ही उसकी कहीं रिकॉर्डिंग की जाती है। जस्ट लाइक एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, स्किल ऑफ लेबर या अन्य जो भी ऐसी चीज़ें हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि ये सब क्वालिटी नेचर की हैं। फिफ्थ है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंट्स जो हैं वह हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड सच फिगर गिवन इन स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। द एसेट्स रिमेन अंडर वैल्यूएट इन मेनी केसेस, पर्टिकुलरली लैंड एंड बिल्डिंग। सिक्स है, अफेक्टेड बाई द विंडो ड्रेसिंग रेफर टू एन प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स so that the financial statement may disclose a more favorable position than the actual position. For example, purchase made at the end of the year may not be recorded in or the closing stock not be over be evaluated, hence the correct decision not be taken and one basis of the financial position. And last hai, unsuitable for costing. फाइनेंशियल अकाउंट्स
आर ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स कंटिन्यूस चेंजेस टेक प्लेसेस इन द डिमांड ऑफ द प्रोड्यूस पॉलिसीज एडॉप्टेड बाई द फर्म द पोजिशन ऑफ कंपटिशन ईच ई टी सी इज सच ए फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट में नॉट बी मच ओवर द यूज ऑफ फॉरकास्ट. नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ सच वे दैट इज एबल टू डिपिक्ट ए क्लियर एंड ऑर्डरली व्यू ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेक द मोर यूजफुल फॉर इट्स यूजर. रिलायबिलिटी फर्स्ट है. रिलायबिलिटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबिलिटी. इसकी विश्वसनीयता है. कोई भी चीज़ हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी हमें प्रमाण होती है. जस्ट लाइक सेल वाउचर परचेज वाउचर करस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट प्रॉपर्टी डीड एंड मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स. ये सब मिल करके जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उसको ये वेरीफाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी फाइनेंशियल पोजीशन की है या बैलेंस शीट है वह सही होती है, वह रियलिस्टिक होती है, वह विश्वसनीय होती है. अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड ना हो तो हम हमारे जो भी पीएल हो या फिर बैलेंस शीट हो वह विश्वसनीय नहीं रह जाएंगे. नेक्स्ट है रिलेवेंस. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज डिपिक्ट बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस. अननेसेसरी एंड अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस डिसीजन एंड मस्ट बी हेल्प द मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कैटर एंड अदर यूजर्स. ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द मेकिंग डिसीजन्स. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाई द कंपनी इन ए प्रीवियस ईयर इट इज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर सिंस इट प्रोवाइड टू अ बेसिस फॉर द फॉरकास्टिंग फ्यूचर डिविडेंड. नेक्स्ट पॉइंट है अंडर स्टेबिलिटी. अंडर स्टेबिलिटी जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये हमारे जो है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वह सिंपल और लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको यूजर्स जो है आसानी से समझ लेते हैं. अगर किसी पर्सन को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में विशेष नॉलेज नहीं है तो भी वह लगभग उस स्टेटमेंट के बारे में समझ जाता है. फोर्थ है कंपेयरबिलिटी. कंपेरेबिलिटी इज ए वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंटेन द फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर ऑफ करेंट ईयर सो द करेंट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द पास्ट परफॉर्मेंस. फिफ्थ है फेथफुल presentation. Financial statements are required to show a true and fair view of profitability, financial position and cash flow of and enterprises. Application of appropriate accounting standard normally result in financial statement portraying true and fair
information about the enterprises. Today last topic, role of accountants. Accountants का रोल है वह समय के साथ साथ बदलता रहता है. जैसे जैसे हमारा समय चेंज होता गया वैसे वैसे समाज में इसकी महत्ता बढ़ती चली गई, इसकी रोल बढ़ती चले गए. इसका ओवर द सेंचुरी द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिमेन कन्फाइनेड टू रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली. पहले जो था इसका सिर्फ मेन उद्देश्य था कि हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, लेकिन नाउ इट इज रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज द रोल ऑफ अकाउंटिंग. एट द प्रेजेंट अकाउंट प्ले द फॉलोइंग डिफरेंस रोल्स. फर्स्ट रोल ऑफ ए लैंग्वेज. अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट प्रिपेयर द रिपोर्ट स्टेटमेंट विच द कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग द बिजनेस इंटरप्राइजेज. सेकेंड है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. अकाउंटिंग इज ए व्यू इन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स रिकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. थर्ड है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट. इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड एज मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस. फोर्थ है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन. इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड एज द मीन्स ऑफ शोइंग ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए बिजनेस बाई द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. अकाउंटिंग इज ए नाउ रिकॉर्ड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द काइंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच मैनेजर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी रिक्वायर टू कीपिंग. एंड आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू परचेज योर बुक्स रिटन बाय द डॉक्टर डी के गोयल.